इसलिए आपने सुना होगा कि सत्यभामा को बहुत अहंकार था कि मैं अपने विवाह में बहुत सारा सोना लेकर आई थी। सत्यभामा को इस बात का अहंकार था और भगवान ने एक बार इसका अहंकार तोड़ा भी था। आपको बात शायद ज्ञात होगा कि सत्यभामा ने एक बार कोई व्रत रखा। क्या रखा? एक व्रत रखा और उस व्रत का जब उद्यापन करना था तो उस व्रत के उद्यापन के लिए किसको बुलाया? नारद जी को बुलाया। किसको बुलाया? नारद जी को बुलाया। नारद जी ने व्रत का उद्यापन किया और तब सत्यभामा को तो अहंकार था कि मेरे पास तो इतना पैसा है कि इस ब्राह्मण को तो दक्षिणा के बदले मैं तोल दूंगी। तो नारद जी से कहा, नारद जी आपने बड़ा अच्छा मेरा उद्यापन कराया है, अब आप ऐसा करिए आप दक्षिणा मांग लीजिए, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? नारद जी ने कहा, अरे जितनी दक्षिणा मैं मांगूंगा उतना दे पाओगी क्या? सत्यभामा को तो अहंकार से कहने लगी, कैसी बात करते हो, इतना सोना मेरे पास है, तोल दूंगी आपको। नारद जी ने कहा, ठीक है जो दक्षिणा मांगूंगा दोगी? सत्यभामा ने कहा, दूंगी। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करो। तब सत्यभामा ने, क्योंकि ये तो भक्त और भगवान की लीला है, भगवान अहंकार भक्त का सहन नहीं करते, तब सत्यभामा ने हाथ में जल लेकर कहा, नारद जी जो मांगोगे सो दक्षिणा में दूंगी। और तब नारद जी ने जानते हो क्या मांगा? नारद जी ने कहा, अरे ये जो रत्न है ये मेरी दक्षिणा थोड़ी है, जो तेरा पति है वही मुझे दक्षिणा में चाहिए, अर्थात कृष्ण मुझे दक्षिणा में चाहिए। अब तो हाथ में जल लेकर संकल्प किया था, क्या करें, बड़ी घबरा गई, बड़ी घबरा गई, रोने लगी, क्या करूं क्या करूं। नारद जी से अनुनय विनय करने लगी, अरे पति का जाने का मतलब स्त्री के समस्त सुहाग लुट जाना, इसलिए हे नारद जी मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर कृपा करिए, हे ब्राह्मण देवता मुझ पर कृपा करिए। तब नारद जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, पति को मैं तेरे छोड़ देता हूं, लेकिन अपने पति के वजन का मुझको उतना सोना दे दे। अब सत्यभामा प्रसन्न हो गई, बोले ये कौन सी बड़ी बात है। अब तब एक तराजू मंगाया गया, द्वारिकाधीश को तराजू के एक पलड़े में बिठाया गया है, और दूसरी तरफ सत्यभामा जो सोना था जितना भी इसके पास था, कोश के कोश भरे पड़े थे, इसने रख दिया, रखती गई रखती गई रखती गई, लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए। और करते 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 परीक्षित इसका सारा का सारा कोश खाली हो गया, लेकिन फिर भी भगवान बाल बराबर भी हिले नहीं। और तब नारद जी ने कहा, या तो इसके बराबर धन दे और या फिर मैं चला तेरे पति को दक्षिणा के रूप में लेके। सत्यभामा बड़ी घबराई है, बड़ी घबराई है, द्वारिकाधीश से अनुनय विनय किया है, द्वारिकाधीश ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं तो मजबूर हूँ, तूने तो मुझे तराजू पे बैठा रखा है, अब भैया जिससे तूने संकल्प किया उसी से अनुनय विनय कर, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और तब नारद जी के चरणों को पकड़ लिया है, निवेदन किया है, क्षमा याचना की है, सारा का सहरा अहंकार जो धन का था मिट गया है सत्यभामा का। और तब नारद जी ने कहा, जा जो तूने स्वर्ण का ढेर लगाया है ना उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख दे। और जैसे ही उस स्वर्ण के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखा है, और ठाकुर जी इतने हल्के हो गए एकदम से ऊपर चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।